हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। इस एपिसोड में हम बहुत ही सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली और एकदम मस्त तरीके से होली खेलना, गुलाल से ही खेलना, और परमानेंट कलर से किसी का मुंह एकदम खराब मत कर देना। पिछले एपिसोड में याद होगा कि मुझे डायमंड्स मिले थे, जिससे मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाया था और अपने विलेजेस की ब्रीडिंग भी कराई थी। तो मैंने ऑफ कैमरा उन सबको एक जॉब्स भी दे दी, उनके बेड्स को कलर भी कर दिया, और हाँ, ये वाला मेरा बेड है, इसको कलर नहीं किया। और मैंने दो ऐसे नल्ले विलेजर्स छोड़ दिए, मतलब जिन उनको जॉब्स नहीं दिए हैं। मुझे बनाना है एक आयरन फार्म बनाना है, उसमें बहुत सारे विलेजर्स की ज़रूरत है, लेकिन उतना ब्रीडिंग कराने के लिए उतना मुझ पर वो नहीं है फूड। तो अब मैं क्या करूँगा, इनसे ऑटोमेटिक, दो विलेजर्स से ऑटोमेटिक फूड क्रॉप फार्म बनाऊंगा, और ये बाकी विलेजर्स को दे दूंगा, जिससे वो ब्रीडिंग कर लें, और उससे मुझे और सारे विलेजर मिल जाए जिनको मैं वहाँ पर लेके चले जाऊँ आयरन फार्म में। तो सबसे पहले मैं टूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी वुड की ज़रूरत पड़ेगी, और डर्ट को भी, थोड़ा जगह को प्लेन करना है तो डर्ट भी उखाड़नी पड़ेगी। अब इनको इंचेंट भी कर लेता हूँ, जैसे एक्स पे अनब्रेकिंग और शार्पनेस आ गई, और शवल पे फॉर्चून वन और अनब्रेकिंग। चलो ठीक है, 3 days later अब मैं लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यार इसके लिए काफ़ी सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी, और वैसे भी मुझ पर तो बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है, तो ये आगे भी काम आएंगे। तो बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ मैं यहीं पास में से। अब ये वाली ज़मीन मतलब एकदम प्लेन तो है नहीं, कहीं गड्ढा है, कोई ऊपर उठ रहा है, तो ये जो भी ऊपर उठ रहा है उसको उठा के मैं सारे गड्ढे भर दूंगा, और इसी जगह मैं फार्म बनाऊंगा अपने घर के जस्ट बगल में। ये तो days later देखो एकदम प्लेन हो गया। अब यहाँ एक एक ब्लॉक यहाँ से उठा देता हूँ, यहाँ से नहीं यार, यहाँ से तो कोना ज़्यादा पास है, यहाँ पे ब्लॉक यहाँ से उठाता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। अब यहाँ से ये मैंने गड्ढा भरा था, यहाँ से पानी ले लेता हूँ, खुलासा हो गया। चलो बंद कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, इस गड्ढे के चार ब्लॉक राइट साइड छोड़ के पांचवे ब्लॉक पर एक ब्लॉक रखना है, तो ये रख दिया। अब दूसरी साइड भी पांचवे ब्लॉक पर, और चारों साइड ऐसे करके पांचवे ब्लॉक पर रखना है, 4 5। अब इन सबको ज्वाइन कर देना है। अब ये ज्वाइन हो गए, अब क्या करना है मुझे, इनके ऊपर एक एक वुडन प्लैंक और लगाना है, मतलब ये दो की पूरी लेयर कर देनी, पूरी बाउंड्री दो दो की। अब देखो ये दो दो का हो गया। अब यहाँ से मैं पहले ब्लॉक्स थोड़े से उठा देता हूँ, क्योंकि आने आने में आसानी हो, तो ये ब्लॉक उठा दिए, ये देखो एकदम सेंटर से। अब ऐसा ही सेम टू सेम फार्म इस साइड भी बनाना है मुझे, इस साइड भी खुलासा हो गया। तो ऐसा ही सेम टू सेम फार्म, मतलब इतना ये बाउंड्री इस साइड भी बनानी है, राइट साइड भी, मतलब दो की हो जाएगी, ये दो फार्म बन जाएंगे। तो थोड़े ऐसे लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो लकड़ियाँ लेने आ गया यहाँ पे मैं। 2000 years later हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। इस एपिसोड में हम बहुत ही सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली और एकदम मस्त तरीके। अब चलो आपको एक जादू दिखाता हूँ जो पूरे यूट्यूब में आपने नहीं देखा होगा। तो मेरे पास अभी खाली बकेट है, और अब भर गई, अब इसको खाली करूँ, देखा है कभी ये जादू, खाली हो गई। तो ऐसा जादू कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये अकेला करा है मैंने ये जादू। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये मैंने स्टोन स्लैब लगा रखे हैं, इसके नीचे पानी भर रखा है, ताकि कभी भी बाई चांस क्रीपर फटे ही, देखो यहीं पे पानी दिख जाएगा, बाई चांस क्रीपर फटे तो ज़्यादा डैमेज ना हो। इससे ऐसा होता है, आप भी बना सकते हो, ये इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा आपकी जगह को। अब फार्म के लिए चीज़ें बनाने की बारी, जैसे एक माइन कार्ट लगेगी इसके लिए, विलेजर ले जाने के लिए, पावर ड्रिल्स, ट्रैप डोर, हॉपर, दो माइन कार्ट विद हॉपर। चलो, और यहाँ से मुझ पर माइन शाफ्ट में जब गया था वहाँ से बहुत सारी रेल्स मिली थी, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये उठा ली। अब देखो यहाँ पे प्लैंक्स ले लिए, ये थोड़े यहाँ पे एक और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विलेजर हमको एक रखना है, तो ऐसे एक्स्ट्रा बिल्ड कर दिया। अब पूरी जगह पे स्टोन स्लैब्स, ऊपर बाउंड्री पे पूरी जगह पे स्टोन स्लैब लगाने हैं, जिससे मॉब स्पॉन नहीं हो जाए और विलेजर को कोई भी खतरा नहीं हो। अब इतना हो गया, अब यहाँ पे देखो एक ट्रैप डोर ऐसे लगाओ, एक ट्रैप डोर यहाँ पे, इसको ऐसे खोल दो। अब ये नीचे वाले दो ब्लॉक उठाओ, और यहाँ इस वाले पे तो हॉपर रख दो,
यहाँ पे और यहाँ पे स्टोन स्लैब। अब इतना होने के बाद सामने एक ब्लॉक रखो, उस पर रेल रखो, रेल पे माइनकार्ट। अब नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ दो और इस वाले ट्रैपडोर को खोल दो और माइनकार्ट को सरका दो ऐसे। अब यहाँ पे फिर से ब्लॉक रखो, रेल माइनकार्ट विद हॉपर, और रेल को तोड़ दो और उस नीचे वाले को खोल दो, इसको बंद कर दो और ऐसे कर दो, इसको भी सरका दो और इस ब्लॉक को तोड़ दो। अब इतना हो गया, टॉर्चेस भी लगा देता हूँ जिससे कि मॉब स्पॉन नहीं हो और विलेजर की बैंड नहीं बजे। अब एक ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे हॉपर जिससे फार्मर बन जाए, उसके ऊपर एक ब्लॉक और यहाँ पे भी टॉर्चेस जिससे फिर से वही। अब यहाँ पे देखो ब्लॉक तोड़ देता हूँ और नीचे जाके यहाँ भी ब्लॉक तोड़ देता हूँ। और अभी अरे हाँ, चेस्ट लाना तो भूल ही गया, यहाँ पे टॉर्च, यहाँ भी मॉब स्पॉन नहीं हो। अब घर तक रेल ले जाऊँगा, बीच बीच में पावर रेल जिससे विलेजर्स ला सकूँ मैं फार्म में। तो हो गई पूरी रेल घर से कनेक्ट, बस अंदर से और लगानी है। तो ये वाला ब्लॉक तोड़ा और यहाँ पे एक नॉर्मल, दो पावर ड्रिल और यहाँ पे रेड स्टोन टॉर्च। अब विलेजर को बिठाया, अब इसको खिसकाते खिसकाते फार्म तक ले आऊँगा। अब ये हाँ चला गया, देखो अब मैं जाते देखो ये जा रहा है इतनी आराम से। अब देखो मैंने दोनों विलेजर्स तो पहुंचा दिए और ये बेड भी, ये वाला फार्मर बन गया। अब ये सारी रेल सुटा देता हूँ पहले तो। अब ये हो से पूरा जो ये मैंने फार्म बनाया है इसको वो कर देता हूँ, तो पता नहीं खेत जोत देता हूँ और यहाँ पे सीड भी लगा दिए मैंने सारे, जितने भी सीड थे अब बाकी तो फार्मर कर ही लेगा। और यहाँ पे भी स्लैब लगा देता हूँ और चेस्ट भी लाया हूँ मैं इस बार बना के, तो यहाँ पे चेस्ट लगा देता हूँ तो जो भी पटेटो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। पटेटो को सीड लगाए हैं मैंने पूरे फार्म में और इनको तोड़ देता हूँ। अब माइन कार्ट उठा दी, अब इसका काम शुरू हो जाएगा शायद, रात भी हो गई। 3 days later अभी ये यार काम नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, लेकिन देखो कुछ कुछ सीट बड़ी हो गई लेकिन ये उनको उखाड़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया यार, वर्क ही नहीं कर रहा बिल्कुल। मैंने साइड साइड से और लगा दिए ताकि रिस्क नहीं लेना चाहता, क्या पता ज़ॉम्बी कोने में इस किसी भी ग्लिच की वजह से इसको मार दें। यहाँ पे स्टोन कटर लगा दिए। अब भाई यार एक दो दिन हो गए लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहा, क्या करूँ। अभी देखो पूरी चेस्ट खाली है, मतलब ये तो मेरा ही सामान है। अब थोड़ी सैंड लेने आ गया क्योंकि अगर उस फार्म ने काम नहीं किया तो एक विलेजर ब्रीडिंग फार्म बना लूँगा। चलो इससे पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, मैंने थोड़ी ट्रेडिंग करी। अब ये देखो मैप देने के लिए तैयार है और कौन सा ओशियन एक्सप्लोरर मैप मिल चुका है, अब हम ओशियन मॉन्यूमेंट में जा सकते हैं। चलो सही है, कभी जाएंगे। इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया ताकि हमेशा याद रहे। अब यार वो मेरा फार्म काम नहीं कर रहा है, अब मैं एक विलेजर ब्रीडिंग फार्म बना रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सिंपल है, 4x4 का एक स्क्वायर बना लेना है जो बीच से खोखला हो, मतलब 2x2 का उसके अंदर एक स्क्वायर होलो हो। तो ये देखो मैंने थोड़ी डिजाइनिंग के साथ बना लिया जिसमें ग्लासेस और कोबल स्टोन है, सही है इतना। अब यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है तीसरे पे और यहाँ पे पानी रख देना है जिससे जो भी बच्चा हो वो फ्लो करके इस कोने तक आए। अब ये वाले ब्लॉक्स उठा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्पेंसर लगेगा ऊपर तक। अभी इस वाले ब्लॉक की जगह डिस्पेंसर लगाना है। अगर वो फार्म काम कर रहा होता तो ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके अंदर माइनकार्ट, अब यहाँ पे एक पावर रेल, फिर दो नॉर्मल रेल और इस पर जैसे बटन दबाएंगे माइनकार्ट ऐसे चलेगी, कोई भी बच्चा होगा वो कोने से बैठ के आ जाएगा इसी के अंदर। अब यहाँ पे ऐसे दो ट्रैप डोर लगाने हैं नीचे से ऊपर की तरफ हो और इनको बंद कर देना है। अब यहाँ पे एक कंपोस्टर यहाँ पे, एक वहाँ पे, क्योंकि जो भी बच्चा होगा वो तो नीचे से निकल आएगा। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगा देता हूँ ताकि ऊपर नीचे आता जाता रहूँ। अब देखो ये थोड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म बना लेना है एक, अब इस पे बेड लगा देता हूँ ऐसे, ताकि जितने ज़्यादा बेड होते हैं उतनी ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं विलेजर्स, तो जितने ज़्यादा बेड लगाओ उतना ही सही है। मैं तो बस 10 ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझ पर इतनी ज़्यादा भूल भी नहीं है। अब यार फाइनली ये काम करने लग गया, मेरा
फार्मर वो मतलब उसको बनाने में तो मैंने अपना टाइम वेस्ट ही किया। अब ये देखो मैं बताऊँ ये काम कैसे करता है ये वाला फार्म। तो ये फार्मर होता है, ये नॉर्मल फार्मिंग करता है। अब इसके बाद इस पर कुछ कुछ जो खाना होता है वो ये दूसरे विलेजर्स को भी शेयर कर देता है और फिर ये ब्रीडिंग करना चालू कर देता है। लेकिन मैंने वहाँ पर माइनकार्ट विद हॉपर लगा रखा है, तो वो हॉपर नीचे को पहुँचा देंगे खाना, और जैसे नीचे को पहुँचाएंगे वो मेरी चेस्ट में चला जाएगा, वहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमेशा जब भी इस पर एक्स्ट्रा खाना हुआ करेगा ये दे दिया करेगा, और मुझ पर वो एक्स्ट्रा पटेटो या जो भी कैरेट्स होते हैं वो मुझ पर आ जाया करेंगे, और इसके साथ स्कैम हो जाएगा। इसको उठा देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी ना चलाए ऊपर। तो यार ये तो मस्त फार्म है, ये ऑटोमेटिक फार्म है, और मैंने तो वन ब्लॉक में सेमी ऑटोमेटिक बनाया था, ये वाला ऑटोमेटिक है। इसके लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ काम फार्मर ही कर देगा। ये देखो सारी क्रॉप्स बराबर है, मतलब सही तरीके से काम कर रहा है फार्मर, अब फॉर्म में आ गया है। अरे भाई एक भी मतलब पटेटो कैसे नहीं है, एक पटेटो तो मैं नहीं रखा था, ये खाली कैसे? अब तो देख के आना पड़ेगा यार यूट्यूब पे, मतलब क्या हो रहा है ये मेरे साथ। अब भाई मैं पूरी रिसर्च करके आ चुका हूँ और मुझे अब पता चल गया क्या हो रहा है। तो पता चला है कि एक फार्मर को एक बेड देना है जिस पर सो सके, और मैंने बेड ही नहीं दिया था उसको, और एक जो दूसरा विलेजर है उसको भी बेड देना है, लेकिन वो ऐसे देना है कि वो सो नहीं पाए, बस बगल में रख देना है। तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, वो कभी सो ही नहीं पाएगा इस पर। बस इक्विप कर लिया, हाँ इतना ही सही है। अब एक और चीज़ है, फार्मर दूसरे विलेजर को जब तक वो कुछ भी खाने का सामान नहीं देगा, जब तक वो उसका खुद के जो स्लॉट्स होंगे 6-7 स्लॉट्स होते हैं इन्वेंटरी, वो भर नहीं जाती है। तो अभी थोड़ा सा मतलब वेट तो करना पड़ेगा, तब जब उसकी पूरी इन्वेंटरी भर जाएगी वो तब शेयर करेगा अपना जो भी फूड होगा, तो उसके लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ यार हमने ये फार्म बना ली, और वो मतलब विलेजर्स ब्रीडिंग फार्म तो ऐसे ही बना लिया, मतलब मुझे लगा था ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि 3-4 दिन तक मैं फार्मर को देख रहा और वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको अचानक से काम करने लग गया। और अगले एपिसोड तक तो ये शायद शेयर करना भी चालू कर देगा, और मेरा शायद चेस्ट भी भर जाए। तो देखते हैं अगर ये सही तरीके से काम करेगा तो यही सही है, नहीं तो ब्रीडिंग फार्म तो है ही बगल में। और अगले एपिसोड में तो यार हम बनाने वाले आयरन फार्म, एक मस्त आयरन फार्म बनाएंगे उस वाली जगह पे, ये सामने जहाँ पे आपको सेंड दिख रही होगी इस वाली पे हम बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा विलेज किसी भी विलेज से थोड़ा सा दूर होना चाहिए फार्म, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर बनाऊंगा जिससे काफ़ी सारा आयरन मिल जाए। आज भी यार सही किया हमने, मतलब आज भी हमने बहुत कुछ किया, ये फार्म बना लिए दो, और काफ़ी सारे पटेटो उसकी भी जुगाड़ हो गई, और ट्रेडिंग भी करी मैंने इन सारे विलेजर्स के साथ। तो या गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया यहाँ तक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जाते आने जाने से पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, सही से खेलना यार। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।